वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। तो सबसे पहले जोरदार तालियां मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू जी के लिए। भाजी आपको बहुत बहुत बधाई। पंजाब में आपने बहुत अच्छी जीत हासिल की और पंजाब सरकार को बोल के अगर आप ये चार भंगड़े वाले दो ढोलियों का हमें पैसा दिलवा दें ये हमने आपके लिए अरेंज किया था। पाजी के लिए जोरदार तालियां। आज आपके जीतने की खुशी में हमने आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत गैग रखा है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा? जोरदार तालियां सिद्धू पाजी के लिए। हाँ, आप चुनाव जीत गए और मैंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मेरे आज जो चीफ गेस्ट है वो है आप, तो प्लीज आइए रिबन कटिंग कर दीजिए मेरे लिए। चल रिबन काटें। सिद्धू पारी इसके झांसे में बिल्कुल ना आना, ये ऐसे ही फीता कटवा के पैसे मांग लेती है, बाप को पता नहीं है ये पैसे वाला बंदा दिखा नहीं अंदर से, जीजू निकलना शुरू हो जाता है इसका। देखो तुम बकवास बातें मत करो, देखो मैंने पार्लर खोला है, झटपट ब्यूटी पार्लर। ओए होए, ओए होए। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। रियली? क्या लाया? पार्लर के लिए। क्या? ताला लगा दो, फटाफट लगाओ, चलो निकलो यहाँ से। ए, मेरे घर के आगे पार्लर खोके बैठ गई है। ताला तुम्हारी अक्ल में लगा है, अक्ल में। वो तो कहावत इसलिए बोल दी वरना लॉजिक वाली बात तो कोई नहीं है। कप्पू मोहब्बत में लॉजिक नहीं होता। तो लॉजिक में भी मोहब्बत कहाँ होती है? तुम बातों को बढ़ाने में माहिर हो, कभी बातें बना भी लिया करो। मैं तो बातें करता हूँ, बना लोग देते हैं। अच्छा तो मेरी पहली बोनी तो करवा दो, मैं डिस्काउंटेड रेट पे तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ। मेरे को छोड़ो, पहले अपना चेहरा ठीक करो। नाक देखो इसके, ऐसा लगता है कोई प्लग लगा के फोन चार्ज करके भाग गया। चलो ये लो ताला, मुझे जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें? ओहो, कहीं जाना है। हाय सिद्धू जी, प्लीज वेलकम द न्यू हॉट एंड सिजलिंग पार्टनर ऑफ दिस ब्यूटी पार्लर। ओह वाओ, क्या कहा तुमने, मुझे सुना नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम कहीं जाने वाले थे ना? जो किसी जगह जाने वाला था ना। हाँ। तो वो जगह इधर आ गई, तो इधर क्यों जाने का? क्या? मैं इस ब्यूटी पार्लर का हेड मसाजर हूँ। तभी तो मैं कहूँ मेरे हेड में पेन क्यों हो रहा है, मेरे फटाफट बैक मसाज कर दो, आ जाओ। एक सेकंड, हेड में दर्द हो रहा है तो बैक में क्यों मसाज चाहिए तुम्हें? जब मैं बात हेड से कर रहा हूँ तो तुम्हारे बैक में क्यों पेन हो रहा है? लॉटरी, तुम भी झाड़ू लगा दो, मसाज मैं कर देती हूँ। मैं तुम्हें झाड़ू लगा देती हूँ, तो मेरे मुंह पर मसाज कर देती हूँ। तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? तो आपको बाप बुलाओ, मैं उनसे लड़ लूंगी। तुम उसके बाप को गाली क्यों दे रही हो? एक सेकंड, इसने कब गाली दी? तो मैं आइडिया भी नहीं दे सकता, दो गाली। शी इज माय फ्रेंड। दो गाली। बाप अपने बाप को गाली दो। आप मेरी इतना करीब क्यों आ रहे? तुम उसके बाप को गाली दे सकती हो, मैं इतना करीब भी नहीं आ सकता। अरे साइलेंस, लॉटरी हम यहाँ काम करने आए हैं, लड़ाई करने नहीं आए हैं। एक बात बताओ, ऐसे मसाज करते वक्त पुलिस तो नहीं आ जाएगी ना? तुम्हारा मसाज मैं करूंगी। तुम फिर तो पुलिस को ही आने दो इधर, इसका नहीं कप्पू, कभी भी जो मर्जी में आते तुम करती रहते हो, जा रही हूं मैं। उफ, सुनो लॉटरी, कभी लग भी जाओ। अरे सुनो, ये मसाज वगैरह पार्सल भी करती हो? मसाज पार्सल कैसे होते हैं? मेरे पास सिनेमा की दो टिकट है, वहां पे चलते, वहां पे जाकर दोगी? नहीं, मैं ऐसे पराए मर्द के साथ फिर नहीं लेके जाती। तो मैं तुम्हें एक किलो आटा देके फ्रेंडशिप कर लेता हूँ। मेरे पास ये फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास भी टाइम के लिए फालतू बातें नहीं है। सुनो, कोई नहीं देख रहा, तुम फटाफट मेरी बैक मसाज कर दो, मैं ये मसाज 10 लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, शाम को अच्छी न्यूज आएगी। अच्छी न्यूज आगे देख लो, सिद्धू जीत गए। तालियां, बधाई हो। कंग्रेचुलेशन सिद्धू जी। थैंक यू। अरे ऐसे थोड़ी बधाई देते हैं भाई, नाच गाने वाला माहौल है। म्यूजिक।
ये तो हो गई एक तरफ बधाई। अब सिद्धू जी की तरफ से ऐसे उनको इस तरफ से देता हूं म्यूजिक। हमारी तरफ से भी हो गया सिद्धू साहब की तरफ से, अब मेरी तरफ से, अब गाना नहीं चलेगा, अब गले मिलेगा। सुनो लॉटरी, आई लव यू। सिद्धू साहब मेरा तो हो गया, आप अपना देख लो। आई एम लिविंग ब्रो, बाय। लॉटरी तुम यहाँ क्या खड़े खड़े टाइम पास कर रही हो? बम्पर तुम्हें अंदर गालियां दे रही है। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे भी बहुत गालियां आती है। पाजी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने अपना पार्लर खोला है, मतलब मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ और पापा का नाम रोशन कर दिया। कमाल कर दिया अभी। ओह 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 ओह, ये देखो, वाओ वाओ वाओ। सिद्धू पाजी सही में आज इसने अपने ना पापा का सर ऊंचा कर दिया। अच्छा, थैंक यू। नहीं नहीं, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इसके पापा लेटे हुए थे, उसने सर के नीचे तकिया लगाया, पापा का सर ऊंचा हो गया। सर ऊंचा कर दिया। एक्सक्यूज मी, मैंने ब्यूटी पार्लर खोला है, समझी? तुम्हारी आंखें तो पूरी खुलती नहीं है, ब्यूटी पार्लर खोल दिया। आई बड़ी ब्यूटी पार्लर खोलने वाली। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई छोटी ब्यूटी पार्लर खोलने वाली। आई बड़ी चौड़ी नर्स बनने। नॉनसेंस पाजी, कल ये बम्पर दीवार पे थप्पड़ मार रही थी। मैंने पूछा तो कह दिया दीवार के भी कान होते, तो मैं कान के नीचे बजा रही थी। ये ऑडियंस को हंसाने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश की गई है। प्लीज आप लोग तालियां बजा के इनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये वैसे अब और तो बढ़ने नहीं वाली। हेलो सिद्धू साहब, मैं बहुत खुश हुआ आपको देख के। बम्पर तुम इधर क्या कर रही हो? अंदर जाओ, एयर कूलर खोलो, सारा पानी पी जाओ, चलो। चलो अंदर। बोलते रहते हैं बेकार की बातें। अल्लाह जी चाचा जी। बेटे तुम एक काम करो, अंदर जाओ, चूहा रोटी लेके बिल में घुस गया, उसके पीछे घुस जाओ, निकालो रोटी आधी तुम खाओ और चलो भागो इधर से, पार्लर में संभाल लूंगा। हाँ दे चाचा जी। सिद्धू साहब बहुत बहुत मुबारक, आप चुनाव जीत गए। अच्छा आपने बताया नहीं कितने रन से जीते? 43,000। 43,000 रन, दे लो, समय समय की बात है, 27 साल पहले एक नहीं बना था। खुशी का मौका है, अब हमने ऐसी कोई बात नहीं करनी। अच्छा मुझे 3 मिनट हो गए, 5 बातें भी कर ली, कोई कस्टमर नहीं आया, एक काम, इसको आग लगा लेते हैं। हाँ बेबी हाँ, नहीं क्या कह रही हूँ, कैसी हूँ? अब जैसी हूँ वैसी हूँ। तुम भी तो जैसी हो वैसी हो, ये फालतू बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। रुको रुको, मैं जरा पार्लर में आई हूँ, 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके। फोन तो मेरे पास है, तुम किसके साथ बातें कर रही थी? अरे तो मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है, ये क्या बात हुई? अच्छा ओए क्या नाम है, ए टोपी, ओ मुझे ना जरा ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हूँ, मुझे क्या सुंदर लड़की कभी देखी नहीं क्या? मैंने नहीं देखी, और तुम भी कोशिश करना कोई और भी ना देखे। कुछ भी कह रहे हैं आप, मैं तो पार्लर में, यहाँ पर कोई है तो नहीं, आप एक काम कीजिए, जरा इतना सुंदर सा जो चेहरा मैं लेकर आई हूँ इसे सजा दीजिए। सजा जाओ, 5 साल कैद बामशक्कत सजा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इतनी सुंदर सुशील हॉट सेक्सी सी लड़की आपके सामने खड़ी हुई है, इसका जरा 16 श्रीनगर कर दीजिए। अब मतलब श्रीनगर नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, वो श्रृंगार, 16 श्रृंगार कर दीजिए उसका। 16 श्रृंगार, आओ फिर मैं तुम्हारा 16 श्रृंगार करता हूँ। एक मिनट, फटाफट पहले रेसिपी लिखो, लिखो एक ट्रक रेत। लिखो लिखो लिखो,
दो ट्रक सीमेंट, दो क्रेन, चार ट्रक भर के मजदूर, म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और एक नींबू पानी। नींबू पानी क्यों? वो मैं पीऊंगा। एक पान भी लिखो, पान पान लिखो, पान कि पान खा के जुबान लाल करके ना मुझे हाथ थूकने का बड़ा मजा आता है। सिद्धू साहब ऐसे आदमी होते हैं जो पान खा के उसको थूकने के लिए कोना ढूंढते रहते हैं। आपकी वजह से भगवान ने दुनिया गोल बनाई है। कितनी अच्छी बातें करती हो तुम, ट्रेन के नीचे क्यों नहीं आ जाती? एक मिनट ये बताइए, अच्छी बातों का ट्रेन से क्या लेना देना है? तो बुरी बातें बोल के आ जा, आ जा। कहाँ आ जा? मैं इधर आओ, तुम ना पहले बजट का इंतजाम करो। तुम्हारे मुंह का मेकअप जो होगा वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अगर टाइलें लगेंगी उसके अलग से। लेकिन पैसे की कोई चिंता मत कीजिए, नहीं पैसे की कोई टेंशन नहीं है। अब बिशुम उठो। सॉरी मुझे बीच में जरा नींद आ जाती है, सॉरी मुझे जगा दिया कीजिए। सारी जगह तो तुमने कह रही, तुम्हें जगह कहाँ से दे? चलिए कोई बात नहीं, आप मेरा मैनीक्योर शुरू कर दीजिए, आइए। हाँ मैं तुम्हारे मुंह का पेडिक्योर करता हूँ, आ जाओ। ये किसने लगाया हुआ है? ये अच्छा, ये तो उन्होंने लगाया जिनका पार्लर है। मैं उद्घाटन कर देता हूँ, उद्घाटन का ताली बजाओ। इतने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब 500-500 रुपया दो, मैं कैंची मार के ना भी मैं ऐसे घुमा दूंगा। बैठो इधर, ऐसे नहीं बैठना, कस्टमर भगवान का रूप खड़े हो। बेवकूफ, ऐसे थोड़ी करते हैं। चलो बैठो इधर, बैठो। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। बताओ कौन सी मिजाज करनी है? सारी मिजाज मैं कर देता हूँ। देखो हम तुम्हें या तुम्हारे पेट, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, आपको मेकअप करना आता भी है? अरे आता क्या, मुझे तो जाता भी है, क्योंकि जिसको आता उसको जाता भी है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, जिसको नहीं जाता नहीं जाता। जैसे सिद्धू साहब को शेर आते हैं, शेरों को कभी सिद्धू साहब आए? नहीं। ये तो कोई बात बनी नहीं, बात नहीं बनी, उनकी सरकार बन गई, बात की पड़ी है। आप सिर्फ बातें ही करते हैं या फिर आपने कभी किसी को सुंदर बनाया भी है? क्या बात कर रही हो, दीपिका पादुकोण किसकी वजह से सुंदर है? आपकी नहीं, अपने माँ बाप की। मैं हर बात का क्रेडिट मैं लेता। चलो शुरू करेंगे, चलो हाथ आगे करो, जब तक मैं सामान तैयार करता हूँ भीख मांगो। चलो मान थोड़ा पकड़ो जरा, फटाफट हाथ पे ये रखो, दोनों हाथ जोड़ो, थोड़ा पानी डालो, पेड़ा बनाओ इसका, ठीक है? ओके, पकड़ के रखो इसको। हाँ चलो। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हारा फेशियल हो गया। आप बताओ, एक इधर मुंह करो, मेरे को बताओ किस तरह से सीधी हो तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो इधर देखो, तुम्हें कैसा मुंह चाहिए? तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, ये वाला, ये आखिरी वाला, ये वाला मुंह, ठीक है? उधर मुंह करो, चलो शाबाश, आंखें बंद करो फटाफट। ओके चलो, ये अरे ये मुंह लगाएंगे पहले, ये वाला हटाना पड़ेगा फिर ही लगाएंगे, ये कमाल कर रही है। पागल है आप, मुझे कोई मेकअप वेकअप नहीं कराना, मैं जा रही हूँ। अरे लॉटरी, लॉटरी का मसाज पार्लर यही है? नहीं, पार्लर का लॉटरी यही। इधर आओ, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए पर तुम इधर क्यों आए हो? मुझे डॉक्टर ने मसाज लेने के लिए कहा, ये देखिए पर्ची। पर्ची मैं आपको बहुत अच्छा, दिन में 2 बार मसाज लेने हैं। हाँ। आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ पूरी। प्लीज बताएं। 4 चौड़े कंधे वाले आदमी, 4 चौड़े कंधे वाले आदमी, थोड़ी लकड़ी, देसी घी, 4 लोग एक्स्ट्रा, कपूर हम दे देंगे। एक मिनट, अरे भाई इसकी जरूरत तो तब पड़ती है ना जब आदमी स्वर्गीय हो जाता है। सेम केस है, अगर तुम मसाज करते करते मर गए
चार लोग हंसने के लिए भी चाहिए कि नहीं? मेरी तो हंसी निकल जाती है। अच्छा लॉटरी को तुम बुलाओगे कि हम बुलाएं? मैं बुलाता जाओ। अच्छा तो हम बुलाते हैं। शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान कहाँ है? शाहरुख खान। अच्छा लॉटरी जल्दी से मेरा मसाज शुरू कर दो, तुम्हारी उम्र निकल रही है। आप एक काम करो, इधर मटके में आ जाओ। मटके? आपको इधर बिठा के मैं आपको जल प्रवाह कर दूंगा, ऐसे तैर के निकल जाना, इंग्लैंड चल जाओ। एक बंदे को मटके में डाला, साउथ अफ्रीका चला गया, आज उधर सेटल है। मेरे पास वीजा नहीं है। सॉरी, इसमें वीजा लगता ही नहीं है। अच्छा? हाँ, इसमें पिज्जा लगता है। अच्छा सुनो, आपसे करवाना ही नहीं मुझे। लॉटरी यहाँ आओ, तुम मेरा मसाज कर दो, मैं मुंह मांगा पैसा दूंगा। 10 लाख? मैं मुंह तोड़ भी दूंगा। अरे हिसाब से बोलो, 10 लाख रुपया होता तो तुम कुंवारी थोड़ी होती, तुम मिसेज होती मेरी। अच्छा सुनो सुनो, मेरा थोड़ा आयुर्वेदिक मसाज। क्या हुआ? मैं तुम्हारा मसाज करता हूँ, बैठो इधर। आयुर्वेदिक रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे भगवान का लाख लाख शुगर है। भगवान का क्या है? लाख लाख शुगर। अच्छा, मेरे को भगवान का 100-100 BP। इधर आओ, लॉटरी की तरफ देखना नहीं है तुम्हारी, इधर मसाज करूंगा मैं, इधर देख के। अब बताओ क्या कह रहे थे, कौन सी मसाज करानी है? कौन तेल, इस पे तेल लगा के लाओ। देखो लॉटरी, ये ढीला हो गया, इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। इधर आओ, एक तो कैसे कैसे लोग आ जाए, इधर आओ। चलो लिटो मसाज, मैं अपने बड़े बड़े पहलवानों की मसाज की है। लॉटरी ये देखो, मसाज आपकी मैं ऐसे करूंगा। चलो कोई पैसा जेब में नहीं, मसाज कराने आ जाते तुम लोग। सुनो, अच्छा सुनो, मुझे ऐसे किस्तों में क्यों मार रहे हो? एक काम करो, एक बड़ा सा पत्थर लो, उस पर क्रीम लगाओ, मेरे मुंह पे मार दो। मेरे आइडिया नहीं आया पहले। नहीं मार, अरे नहीं, अपना सुनो, मसाज नहीं कराना है, जिंदा रहे तो बहुत कराएंगे। जाने मन ये रख लो, कहाँ गई वो? हाँ थैंक यू, हटो। अरे यार पैसे मैं रखूंगी, पैसे दो मुझे। एक मिनट, एक मिनट, पार्लर मेरा है, पैसे दो मुझे। एक मिनट, एक बॉयफ्रेंड तो तुमसे रखा नहीं जाता, पैसे क्या रखोगी? देखो मुझे पैसे दे दो, वरना तुम्हारे और कपूर शर्मा के बारे में सब कुछ बता दूंगी मैं। एक सेकंड, कपूर शर्मा मेरे बीच कुछ है ही नहीं। नहीं लेकिन आजकल उनके बारे में कुछ भी बोलो छप जाता है। मेरा ब्यूटी पार्लर है, मैं क्यों दूं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुको मेरी बात। बेटे तुम मेरे भाई की बेटी, दो पैसे। चाचा जी इधर दो, चाचा जी की बेटी। खबरदार मेरे को चाचा जी कहा तो कॉल मी डियर फ्रेंड। कितने दे के गया? 1500। तो 1000 मैं रख लेता हूँ। हाँ? इधर 500 मैं रख लेता हूँ इधर। ये तो मैं फिर नहीं करता। अरे रुकिए, ये क्या तरीका हुआ? चाचा जी ये फेंकने का लुक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये दो बड़े ही जबरदस्त एक्टर हैं, ये चैलेंजिंग रोल करने में यकीन रखते हैं, और इस बार ये दोनों एक्टर फिल्म नाम शबाना में साथ आ रहे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर मनोज वाजपेयी एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड तापसी पन्नू। एसी बढ़ाओ भाई, एसी बढ़ाओ। तापसी के आता ही शो का तापमान बढ़ गया, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। जो देख ले रूप ऐसा, उसको फिर और कुछ नहीं भाता। और तापसी अगर पहले होती तो नील आर्मस्ट्रांग चांद पे नहीं जाता। ध्यान से देखिए, मिनिस्टर बनने के बाद भी फ्लर्ट नहीं रुका है। क्या बात है बाजी, काफी मुबारकबाद दी सर बाजी को। मैं दी, मैं कांग्रेचुलेशन सर, मतलब फटे चक देते तुसी। देखा, तुम्हें पता नहीं है ये जाट है, जैसे मैं जाट हूं ना। सो जाट टू जाट, एंटेना टू एंटेना, ठोको ताड़ी। अरे भाई सारे पंजाबी कहते हैं फटे चक दो, फटे चक दो, फटे रखे कहां हुए हैं? एनी आईडिया तापसी? नहीं, सीनियर है, उनको पता होगा, उन्होंने सिखाया है। फट्टा फट्टा होता है जब पंजाब में खेत में मोटर चलती है ना जी, तो पानी आता है, तो वो फट्टा उठा के वो नीचे रखी होती है मोटर, तो फिर वो किल्ली दबानी पड़ती है, इसीलिए कहते हैं चक दे फट्टे नप दे किल्ली, सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली ठोको। मनोज
पेड़ है अदाकारी का जो हर मौसम में मीठे फल देता है, ये अपने हुनर से चिंगारी को शोलों में बदल देता है। ठोकर क्या बात है सर, वेलकम वेलकम, आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम तापसी। थैंक यू। मनोज सर और तापसी की जो फिल्म आ रही, फिल्म का नाम है नाम शबाना। नाम शबाना, तो शबाना आजमी जी ने रॉयल्टी नहीं मांगी? रॉयल्टी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, मेरी बीवी का नाम भी शबाना है। नहीं, वैसे जोक सपाट सर, वैसे नाम शबाना ही क्यों है, मतलब फिल्म का? मेरा नाम है पिक्चर में शबाना। हाउ स्वीट। स्वीट है सर, देखो बहुत जोर से लगेगा। तापसी को ना बड़ा मुक्के मुक्के मारने में बड़ा मजा आता है। बेबी में भी इन्होंने काफी कुछ ऐसा जौहर दिखाए, और इसमें भी ये लड़के पीट रही है। लड़के नहीं, जो गलत काम करते हैं, जो टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं, उनको पीट रही हूँ। पर बड़ा ही खूबसूरत ट्रेलर लग रहा है सर, और कमाल की अदाकारी की आप दोनों ने, और मजा आ रहा है। थैंक यू। बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं कि आप कहते हैं कि ये उस फिल्म का सीक्वल है। ये जो फिल्म नाम शबाना है, ये कह रहे हैं कि ये बेबी का प्रीक्वल है, स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ नहीं है, स्पिन ऑफ है। पाजी को बताओ स्पिन ऑफ क्या होता है। पाजी, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन। मेरे ऊपर से सारे बाउंसर ही जा रहे हैं। में से एक कैरेक्टर को उठा के उसकी बैक स्टोरी पे अगर फिल्म बनाई जाए, ओके, तो वैसे वो होता है स्पिन ऑफ। ओ, मुझे अभी भी नहीं पता चला। मैं तुम्हें नीरज पांडे का नंबर देती हूँ, प्लीज उनसे बात करना, डिटेल में समझाएंगे, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। और मैं आपको राजीव ढिंगरा का नंबर देता हूँ, उससे पूछना मेरी फिल्म कैसी बन रही है। मुझे पता था ये होगा। एक्चुअली नीरज पांडे जो हैं बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। सर आप फैन भी हैं उनके? जी बहुत बड़े फैन हैं। तो उन्होंने जब आपको फिल्म ऑफर की, आपने स्टोरी सुनी थी कि नाम सुन के, मतलब आपने कहा ठीक है अच्छी ही बनाते हैं फिल्में? नहीं, इस बार क्या था कि उन्होंने कहा कि यार फिल्म का नाम है नाम शबाना। अच्छा, यही एक मौका है कि घर जब जाओ तो स्वागत हो आपका, क्योंकि बीवी के नाम पे अगर आपने फिल्म कर ली तो आपका जो स्वागत है बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट से होता रहेगा, और वही हो रहा। ये फिल्म की कहानी काफी, इसमें जासूसी काफी है। हाँ, जासूस हूँ ना मैं, मतलब बनती कैसे हूँ, मेकिंग ऑफ अ स्पाई, ये एक्सप्लेन किया है इस पिक्चर। आपको कैसे ढूंढते हैं फिल्म में? मैंने देखा ट्रेलर में बड़ा आपको ढूंढते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ा ढूंढते हैं। खूबसूरत लड़कियां से जासूसी क्यों करवाते हैं? वो अच्छी जासूसी करती है, हंसाना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ ये तो है, पर नहीं आपको क्या लगता है, आप एक मेल हैं, आप एक फीमेल हैं। अच्छा, थैंक यू। हमारे शो में तो हर कोई है। तो आपको क्या लगता है? थैंक यू। हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दोनों मेल और फीमेल को क्या लगता है कि जासूसी में बेस्ट कौन होता है, आदमी के औरत? आई थिंक औरत होती है, इसलिए क्योंकि एक फैक्चुअल बात है, एक औरत की सिक्स सेंस बहुत जबरदस्त होती है, तो जानते ही होंगे, मतलब आपकी तो शादी भी हो चुकी है तो आपको पता है। उनकी होने वाली है, उनकी होने वाली है, तो पहले ही सुन लो। आपने भी खबर सुनी है? अरे खबर क्या सुनी है? तभी मैं आज उम्मीद कर रही हूँ कि मतलब जो फ्लर्टेशन है वो उस साइड से ही आएगी, इधर से नहीं आएगी। मैंने ना बीवी ऐसी ढूंढी है, वो मैं तैयार करके लाया हूँ पूरी। मैंने कहा मेरा काम है ये, मुझे लगे रहने दे। तेरे भी चंद दिन ही रह गए हैं बेटा। तू भी हमारी तरह जिंदा शहीदों में आने वाला है, फिकर मत कर। वैसे हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, आपको क्या लगता है आदमी जो होते हैं वो ज्यादा बड़े ओहो भाई साहब, ये आपने हेडफोन लगाए क्या, मूछें आपकी? अच्छा क्या बात है सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर जी, कहाँ से आए सर आप? मैं साहब बीकानेर से आया हूँ सर। वाह, हम बीकानेर जाने वाले हैं। आप बीकानेर जाने वाले, आपके आपका मैं इतना बड़ा फैन हूँ सर, शुक्रिया सर, इतना बड़ा फैन हूँ, ये वास्तविक मैं कह रहा हूँ, ऊपर वाले की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैं सबसे ज्यादा आपका फैन हूँ, सोनी का चैनल का फैन हूँ साहब। अरे मैंने आज कितने बड़े फैन, कितने बड़े फैन हो, जितनी बड़ी मूछें हैं इतनी बड़ी, एक मिनट जाना साहब। अजी प्लीज प्लीज, हाँ हाँ अभी आपने मूछें खोली तो क्या बात है, आइए आइए, क्या बात है हजूरे वाला, कमाल ही कर दी यार तू, आशीर्वाद, अरे छा गया आशीर्वाद का, जब भी डाल यार तू, कमाल कर दी। अबे गुरु मूछ है के हंटर है ये भाई साहब, आपका आशीर्वाद है,
मैं साहब आपसे 10 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मेरे घर के अंदर जो भी फोटो लगी है वो आपकी लगी है साहब, कोई विनोद खन्ना का सी है और कोई सलमान खान का, मैं लक्ष्मीनाथ की कसम खा के कहता हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये मूछे आपने रखी है, मूछों ने आपको रखा हुआ है? साथ में एक मूछ वाला और लेके आया हूँ, इसमें मेरे साथ में मेरा लड़का भी है सर जी। हाँ जी, इधर आइए, हाँ जी बैठिए सर, बैठिए, मूछे मुझे दे दीजिए, आइए आप भी बैठिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा सर, मैंने पहली बार इतनी लंबी मूछें, इससे मैं वेट भी उठा लेता हूँ सर जी। मूछों से ही? जी सर, इसमें साबुन और शैम्पू बिल्कुल पास में नहीं आने देता हूँ, दही है, काली मिर्च है, नींबू और मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ सर मैं। क्या बात है, क्या ये मुल्तानी मिट्टी की इसी विशेषता है के साथ, बात छोड़ो सर। क्या बात है सर, इनसे मिला आपने? हाँ इनसे मैं मिला साहब, इनकी फिल्म देखी अक्षय कुमार जी के साथ में, मेरे को अच्छी लगी साहब, अमिताभ बच्चन जी के साथ में भी देखी, एक शक्ति कपूर जी के साथ में भी थी, वो पाकिस्तान आप जा रहे हो वो भी देखी सर जी मैंने। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बात है सर, आपने जैसे जासूस जी का कहा, जासूस सबसे बड़ी औरत होती है साहब, और औरत एक शक्ति है, औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक बेटी है, उससे मुकाबले कोई जीत गया आप कर ही नहीं सकते साहब। पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, शुक्रिया। आप में से कौन हमारे भाई बंधु हैं जो विचार व्यक्त करना चाहते हैं? जी एक महिला है उधर। हाय कपिल। हेलो। नमस्ते सिद्धू जी, मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। जासूसी तो लड़का और लड़की दोनों ही करते हैं, बट आई रियली फील जो लड़कियां होती है इस काम में बहुत पक्की होती है, और जो लड़के होते हैं थोड़े से कच्चे होते हैं। ये तो है। किसी लड़की को जासूसी करनी है वो चुपचाप करके अपना काम खत्म करके खिसक भी जाएगी, पर जब लड़के को करना है वो सोच ही रहा होगा, वहीं पे एक बीवी या गर्लफ्रेंड या माँ वहीं पकड़ लेती है। सो आई थिंक इस काम में लड़कियाँ आर द बेस्ट। तो ये बड़ी अच्छी ऑनेस्टी मतलब है इनकी, ये खुद ही मान रही कि हम जासूसी। तो आपकी शादी हुई अभी कि नहीं? हाँ जी। तो आपने की है कभी जासूसी? हाँ की है। कभी कुछ दस्तावेज हाथ लगे? भाई मेरा कितना खुल के हंस रहा, मेरी कोई टीम का मेंबर ना मार देना आज। उनका शॉट लिया नहीं, वो अपने कैमरा लेके लगे हुए। ठीक है, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, कैमरा और भी लोगों के लिए मंगवाया है। इधर इधर देखो भाई साहब कितना हंस रहे। अच्छा आपकी सिस्टर है? ये सारी खूबसूरत लड़कियां आप ही के घर पैदा हो रही हैं? हाँ भाई I'm good. तक अच्छा दो मम्मियां बैठ जाएं तो वही करती हैं, तक कुड़ी बड्डी हो गई है। अच्छा आप, आपकी बेटी स्टार है तो रिश्ते तो आते होंगे? हाँ बहुत आते हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? अभी तो खैर अभी तो 4-5 साल है। वो डिसाइड कर लिया उन्होंने, 4-5 है तो तुमसे पूछा भी नहीं, नहीं। अपने हिसाब से 4-5 साल है। तो अगर उसने कहा मैंने 15 साल नहीं कराना फिर? नहीं 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 मम्मी क्लियर अभी। पर बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका, शुक्रिया। और मेरे कोई दोस्त जो विचार कपिल, जस्ट वन मोर थिंग, मैं आपको इस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जी मेरी मम्मी आपके कारण मुझसे मिलने मुंबई आई, इनकी शर्त थी अगर कपिल शर्मा शो में लेके जाएगी तो मैं मुंबई आऊंगी, वरना मैं नहीं आऊंगी। तो कहाँ से आई मम्मी? दिल्ली। मेरा सपना था जस्ट कि कपिल शर्मा शो देखना है मुझे, यू आर माई वेरी वेरी फेवरेट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आने के लिए। पापा कौन लाए? पापा को इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं। हाँ। पापा हमेशा पीछे रह जाते बेचारे। मम्मी ही को इंट्रोड्यूस, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जनाब। सर आपके क्या विचार हैं, आपकी सुपुत्री ने कहा कि लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादा अच्छी जासूसी करती हैं, तो आपके टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं होते थे जी, तब क्या चेक होता था सर? बताया नहीं कभी क्या चेक किया। हाय भोले मर्द, आपको पता ही नहीं आपका क्या क्या चेक हो गया। ओह मैम आपसे जानना चाहूंगा एक्चुअली, जैसे अब तो आपकी सपुत्री ने कहा कि मोबाइल चेक हो जाता है, तो उस समय औरतें कैसे मतलब
जासूसी वगैरह होती थी तब भी? वो तो एक्सप्रेशंस हाव भाव से ही पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है, अदरवाइज ही इज वेरी इनोसेंट इन दिस वे, जासूसी की जरूरत ही नहीं है. नहीं पर बहुत अच्छी बात है, आप मतलब इतना विश्वास है आपको कि बहुत इनोसेंट है. इनोसेंट जो होते ना हाँ, वो ही गड़बड़ होते. शुक्रिया सर आपके पूरे परिवार का शो में आने के लिए धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त जासूसी पे कुछ बोलना चाहेंगे? ये सर मेरे तो हिसाब से तो जासूसी करनी ही नहीं चाहिए. वाह. क्योंकि सर इसे बना बनाया काम खराब हो जाता है. किसका? मैं कह रही हूँ सताए हुए लग रहे हैं जासूसी के. सर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी तो मैंने उसकी जासूसी शुरू कर दी. अच्छा. तो फिर उसको पता लग गया, फिर उसने मुझे छोड़ दिया. बंदा नहीं कर सकता जासूसी. तो उसको कैसे पता चल गया? सर, आपने क्या चेक कर लिया था? मतलब जैसे मोबाइल चेक करती हैं. सर जैसे मैं उसकी जासूसी करता था, वो चुपके चुपके वो भी मेरी जासूसी करती थी. तो उसे पता लग गया. अरे वो जासूसी नहीं होती, वो छुपन छुपाई होती है. ये जासूसी नहीं है, दोनों एक दूसरे को छुप छुप के देख रहे हैं. ये तो छुपन छुपाई हो गया ना. पर यार बड़े क्यूट हो आप, बड़ा अच्छा झूठ बोला आपने. बहुत बहुत शुक्रिया. मनोज सर को 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका. 2 बार ना सर के? 3 बार. तीसरा बार जो है ढाई 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 ढाई. तीसरा बार क्या हुआ? मिलते मिलते रह गया. मिलते मिलते रह गया. तो जब आप फिल्म साइन करते हैं कोई, तो स्क्रिप्ट पहले आप नेशनल अवार्ड वालों को पढ़ा के आते हैं कि सर ये कर लें देखो इसको मिलेगा क्या? देखो नेशनल अवार्ड वालों को पढ़ाने जाओगे ना तब तक सरकार बदल जाएगी. पर आपको पर्सनली कैसे पसंद आते हैं रोल करने? वो दूसरे नंबर वाला रोल ना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे. अच्छा. और जैसे सत्या का भिकू मात्रे. ओए हाय कमाल का, कमाल का करेक्टर किया था. पहले दूसरे वाला जो है वो छोड़ देता हूँ मैं. अच्छा. क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहती है. मुझे शूल में भी आप बहुत अच्छे लगे थे मनोज भाई. थैंक यू वेरी मच. कमाल की एक्टिंग की थी आपने. थैंक यू वेरी मच. और हमेशा कमाल का ही काम करते हैं आप. और गैंग ऑफ वासेपुर जब भी आते मेरा बड़ा जिक्र हो ही जाता है. मैंने ऐसा रोमांस नहीं देखा. मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा. कितनी बार करके दिखा चुका हूं. वो हीरोइन कपड़े धो रही है, भाई साहब दातुन लेके बैठे हैं. कर दातुन एक थी, कर दोनों ही गए. ऐसी उन्होंने. मनोज सर आपने इंडस्ट्री में इतने सारे कलाकारों के साथ काम किया है जी. सबके अंदर कोई ना कोई शरारत होती है, किसी के अंदर कोई शैतानी होती है. जैसे बच्चन साहब हैं, उनको एक बार छेड़ दो तो उनके अंदर बचपना बहुत है जी, जी. शरारतें बहुत करते हैं. तो आपने तो सबके साथ काम किया, बच्चन साहब की कोई ऐसी शरारत बताइए जो हमें पता ही नहीं है. अक्स फिल्म हम लोग कर रहे थे जी, तो मुझे ना हाइट की बहुत, शरीफा जी मुझे बहुत प्रॉब्लम है. जैसे फ्लाइट से भी हम लोग टेक ऑफ होते हैं ना तो मेरी हालत खराब होने शुरू हो जाती है. अच्छा. तो उसमें एक सीन है, अगर आपने देखी होगी फिल्म की, ऊपर से झरने की तरफ से अराउंड 100 फीट की जो है उसमें छलांग है. मैं और बच्चन साहब छलांग लगाते हैं. तो उसके लिए हम लोग गए थे नासिक की तरफ, वहाँ. अच्छा. पे झरना है. तो पहले तो मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार किसी तरह से अवॉइड हो सकता है क्या? एक्शन डायरेक्टर ने मुझे बहुत तैयार किया. वो बार बार फ़ोन पे बात करता था, मनोज तू घबरा मत, सब हो जाएगा, सिर्फ आँख बंद कर लेना, ऊपर तक लेके जाएंगे और बच्चन साहब रहेंगे वहाँ पर, कुछ नहीं होगा तुझे. बांधा गया, मैं आंख बंद किया हुआ मैंने, बच्चन साहब मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, मनोज 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 ओके डीप ब्रीदिंग करना है, ठीक है मनोज डीप ब्रीदिंग, ओके इट विल हेल्प, इट विल हेल्प. मैंने कहा जी ठीक है, ठीक है सर मैं ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे लेके जा रहे हैं और हम लोग जो है अराउंड 85 फीट तक गए थे. अच्छा. तो बच्चन साहब की आवाज़ आई, मनोज मनोज. जी जी सर. यार कुछ हो जाए तो जया को बोल देना कि यार. मैंने कहा सर मैं ऐसे ही डरा हुआ हूं. नहीं नहीं यार सच में घर पे मेरा खबर कर देना यार. शरारती तो बहुत है बच्चे साहब. सर वी लव यू.
नवाज भाई के साथ भी आपने काम किया है जी, वो शरारती हैं वैसे? ना ना ना, उसको नवाज में एक कमाल की खासियत है कि यहीं पर रहेगा लेकिन वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। अकेला एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये पता ही नहीं चलेगा हाई की नहीं है। मतलब जैसे ये आपका जो रेलिंग है, दरवाजे हैं, वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी खड़ा रहेगा। क्या मनोज भाई कोई अच्छा सा डॉक्टर है तो बताओ। इनके पिताजी से तो हो नहीं रहा इनका इलाज, आ जाओ बैठ जाओ। इनका बहुत जगह इलाज करा चुके, आ जाओ बैठ बैठ। क्या बात है, पहली बार बैठने को कह रहा है पाजी, नॉट बैड। ऐसे तुम मुझे देख के ही शुरू हो जाते हो ना। अरे इधर बैठो, ये होती बैठने वाली जगह, ये थोड़ी। क्या बात है, आज तुमने मुझे बैठने के लिए कह दिया? मैंने कह दिया, मेरे पास एक ही सीट है, सिद्धू जी के पास कितनी सारी सीटें हैं इनको पूछ ले। ये सरला है हमारी पड़ोसन। हाँ, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। हाय तापसी। हाय। हेलो सर। वैसे आप लोग यहाँ कैसे आज? वो अपनी मेहनत और टैलेंट से तुम यहाँ कैसे? पहले तो अगले मैं अपनी टैलेंट और मेहनत से यहाँ आई हूँ। अच्छा, इसकी एक खासियत है, ये झूठ बड़ा अच्छा बोल लेती है। अभी एक और बोल के दिखा, जैसे अभी बोला था। ये इतनी झूठी है ना, ये तो ऐसे चेयर के पीछे चंगम लगा के वो भी निकल लेती है। इसका झूठ से क्या लेना देना? झूठ छोड़, तेरी एक और आदत तो पता चल गई ना ऑडियंस को। वैसे ये क्या पहन के घूम रही है? ये मैं एक्चुअली एकदम तैयार होकर आई हूँ ताकि मैं तापसी से सेल्फ डिफेंस सीख सकूँ। चलो सिखाऊं? सिखा दो प्लीज। मैं ऑब्जेक्ट चाहिए ना मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट। हाँ, अरे नहीं नहीं, क्या हो सकता है। वेरी गुड। नहीं, जोर से नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ। हाँ, तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि तुम मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। पक्का? तू पकड़ तो पकड़ बेबी। तो बस मोड़ जरा, तुमसे थोड़ी ना होगा। हाथ पकड़ू? मैंने क्यों पकड़ूंगी? करने क्या आई हो इधर? सरला बैठो तापसी, ये तो आती रहती है, इसका क्या है? इतनी तो जून जुलाई में बारिश नहीं आती जितना इधर आ जाती है। इधर क्या करने आया है तुम? मैं इनकी फिल्म प्रमोट करने आई हूँ। तू इनकी फिल्म प्रमोट कर नहीं सकती एक्चुअली। क्यों? तापसी की हाइट देख, अपनी देख, तू शॉर्ट फिल्म में प्रमोट कर। दो दो मिनट की आती है ना, जो दो दो मिनट की फिल्में। आपको पता है मनोज भाई, ये मतलब बहुत टैलेंटेड लड़की है। अभी पीछे ऑटो वाले के साथ जुआ खेलती पकड़ी, मैंने 300 रुपए दे के छुड़वाया। कब? कब? अभी पीछे ऑटो वाले के साथ बैठी खेल रही थी, इधर तो स्टाइलिश बन के आई ना, अंदर ऑटो वाले कहती ला 3 पत्ती ला। तो तुम कितनी बकवास करते हो? पैसा मिलता है। मनोज सर, ये ना मेरे को बात बात में उलझा देगा। मैंने आपकी फिल्म की ट्रेलर देखी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ओके। वो इसलिए क्योंकि मेरे मामा ना अभी भी पुलिस से रिटायर हुए हैं, तो मेरे को एक कनेक्शन फील हुआ। रिटायर? रिटायर नहीं बोलते, बोलते रिहा हुए हैं। वो ट्रक का टायर खोलते हुए पकड़े गए थे वैसे। मैं उस वाले मामा की नहीं, छोटे मामा की बात कर रही हूँ। अरे जो रॉ में एजेंट थे वो। कौन सा रॉ एजेंट था? वो शिवरा सिग्नल पे जो पुराने छाते रिपेयर करते हैं। वो वाले। तुमको बहुत पता है ना मेरे मामा के बारे में, कब मिले हो तुम? अरे आ जाना बैठ, गुस्सा क्यों करती है? अच्छा वो तुम्हारे, मैं फूफा जी से मिला था परसों, पीछे पुलिस भाग रही, चप्पल चोर के उठा के भाग रहे थे। हो गया मेरे खानदान का इंट्रोडक्शन देके? नहीं बची है ना। मैं तापसी से कुछ आपसी बात कर लूं, तुम्हें प्रॉब्लम है? क्या बात है, ओ जा, ये पहली बार सुना है मैंने। तापसी बिल्कुल मत करना, इससे तो कस्टमर केयर वाले नहीं करते। फोन करती हो, कहता है नहीं 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 ऑफिस बंद है आप निकले। कहते फोन कैसे फिर आपने उठा लिया? कहते हमारा दिल क्या उठा लिया, चलो तुम निकलो। अच्छा तुम कस्टमर केयर में काम करते थे? आ गई आज चला। मैं कुछ बात कर लूं मनोज सर से? बैठ के करो ना। थैंक यू सर। आपकी फिल्म राजनीति मेरी फेवरेट फिल्म। एक्चुअली हमारे घर से कुछ लोग पॉलिटिक्स में हैं, मेरे फूफा जी 3 बार MLA बन चुके हैं। इनके घर कहाँ कहाँ है मैं? MLA बन चुके, कोई MLA नहीं, इनका वोटर कार्ड भी नहीं बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये आम आदमी वोट डालने जाता ना तो ऐसे उंगली लगाते, आजकल तो मशीनें आ गई,
पहले उंगली डालते तो नीली शाही लगाते थे ना इनको नहीं, वो कहते थे हाथ रखो ऐसे थोड़ा टर्न कर चलो तुम्हारी वोट हो गई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आती नहीं। तुम्हें भी इसलिए बुलाया, तुम्हारे पिताजी नहीं आज तो शो करने गए हुए हैं, पुणे में उनका शो है। सर मैं आपकी फिल्म सत्या की एक डायलॉग आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, उसके बाद प्रॉमिस मैं चली जाऊंगी। सत्या में भी इन्होंने अपने मुंह से सुनाया था। वो टीवी पे देखा था ना। अच्छा। आज लाइव देखा, फिल्म में भी टीवी पे देखती है, ये नहीं कि जाके थिएटर में देखा हो। अरे मैं छोटी स्कूल में थी तब मैं अडल्ट नहीं थी। सो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मुंबई का डॉन कौन वो वाला डायलॉग हम सब के लिए। मुंबई का किंग कौन बिको मात्रे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा मनोज सर और तापसी, रियलिस्टिक सिनेमा बहुत करते हैं सर, आपको 60s में आने का मौका मिला होता और तापसी आपको भी, हालांकि मिल नहीं सकता, हम 2017 में हैं जी, पर वैसे एक माहौल क्रिएट करें 60s वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो तापसी आपकी हीरोइन है और आप, और लाइटिंग हम आपको 90s वाली देंगे क्योंकि 60s वाली हमने लगवाई नहीं है। सो कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज। क्या बात है, देव साहब का स्टाइल भी। मनोज सर ने और शाहरुख भाई ने बैरी जॉन सर से क्लासेस ली जी, थिएटर करते थे उनके साथ में। तो शाहरुख भाई को उन्होंने ये सिखा दिया और रोमांस करना, आप गोलियां चलाते रहते हैं अनुराग कश्यप की फिल्मों में, भड़ास निकालते, आप क्यों नहीं करते रोमांस? नहीं ना, सबकी काबिलियत देखते हुए ना सबको जॉब दे दिए, उसको वो जॉब दिया जिसके लिए वो सही लगता था और मेरे चेहरे की तरफ देखा उन्होंने, एक दिन देखा, एक साल देखा, दो साल देखा, चौथे साल में उन्होंने कहा कि ये करता हुआ बंदा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बंदा ये करे, एक बंदा ये करे। शाहरुख भाई को कोई डायलॉग हो जाए, आपने अपने स्टाइल में बोलना। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती हैं सिनोरिता। शरारत तो है मनोज सर में। भाई आप इतने अच्छे एक्टर हैं तापसी, आप इतनी अच्छी एक्टर हैं, बचपन में कोई ना कोई तो आपका फेवरेट होता ही है जिसको देख के हम शीशे के आगे या कभी ऐसी एक्टिंग करते हैं, आपको कौन अच्छा लगता था एक्टर? अमित जी बहुत अच्छे लगते थे। ऑडियंस फरमाइश कर रही है नीचे, क्या कह रहे हैं? अबे क्या तुम लोग ऑडिशन लेने बैठे हो? जब तक तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा जाए तुम बैठोगे नहीं, ये पुलिस थाना है तुम्हारे बाप का घर नहीं। आपको एक डायलॉग बोलूं आपसे? हाँ जी बोलो। हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, कम मारेंगे, हम मर्जी भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी, बीच में थोड़े से शत्रु अंकल आ गए थे। ऐसा डायलॉग तापसी के मुझे सुनना है, कैसे कैसे बोलेंगी? और आपको फील करना कि बंदूक भी आपके कंधे पे है। अच्छा मेरे कंधे पे? हाँ, 303 और लकड़ी वाली। कौन सी होती है वो? 3 जिसमें एक ही गोली चलती है, वो भी कभी पीछे आ जाती है, पुरानी होती है ना, गड़िची करके चलाते थे ऐसे, पकड़ के करना पड़ेगा बीच में। हाँ, वो ऐसे कंधे पे रखते थे, एक ही फायर होता था, गोली भी चल जाती थी, कंधा भी उतर जाता था, इतनी हैवी बंदूक होती थी वो, पहले पहले होती थी पुलिस के पास, आजकल नहीं होती वो। अच्छा कोशिश करती हूँ, ये बहुत मैं बचा कुछ काम भी खत्म करवाओगे तुम मेरा? इसका जवाब कोई विलन कैसे देगा? कैसे? और हम यकीनन कहते हैं कि छाती हमारी ही होगी। आज आया रोमांस बाहर। कांग्रेचुलेशन सिद्धू जी, आप जीत गए, आप जीत गए। लड्डू मेरे लिए लाई, खा खुद गई, बहुत भूख लग रही है। मैं कह रही हूँ कमाल की बात, देखिए आपको घूमने फिरने का इतना शौक है कि इनको टूरिज्म मिनिस्टर ही बना दिया। मैं इसलिए अपना सामान भी लेकर आई हूँ, सब सामान पैक करके लाई हूँ,
हम यहाँ से फिर घूमने चलेंगे यहाँ पक्का ठीक है। और अब आप इतने बड़े मिनिस्टर बन गए, मैं तो कह रही हूँ आप मेरे लिए एक लाल बत्ती का इंतजाम कर देंगे, मुझे यहाँ पे ऐसे सर पे लगानी है। फिर मैं ऐसे डर से अपग्रेड होके एम्बुलेंस बन जाऊंगी और उसके बाद मेरा फोन नंबर भी छोटा हो जाएगा। छोटा कैसे? 102 हो जाएगा ना, 102 लगाइए, मैं आ गई। मतलब मुझे बताइए सिद्धू जी, आपके उसमें कोई कॉमेडी कोटा नहीं होता क्या? कॉमेडी कोटे में मुझे मिनिस्टर बना दीजिए ना। अच्छा, ये कॉमेडी कोटे से जेल भी जा चुकी है। आप एक काम कीजिए ना, आप इस बात की ना एक माला बनवा लीजिए और फिर जपते रहिए, जेल गई है, जेल गई है, जेल गई है, जेल गई है, जेल गई है। 5 मिनट में निकल के बाहर आ गई थी मैं, और 50 एपिसोड से आप मुझे सुनाए जा रहे हैं, क्यों क्यों? वैसे नमस्ते मनोज जी। नमस्ते तापसी, आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। वैसे माना पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपकी फिल्म एकदम बहुत बड़ी हिट है, सुपर हिट है आपकी फिल्म। थैंक यू यार, थैंक यू, सुपर हिट है। क्योंकि आपने वैसे सबको बुलाया है ना, आपने सामने से कहा कि सब आना, तो फिर ऑब्वियसली सब आएंगे, सब देखेंगे, हाउसफुल हो जाएगा, सुपर हिट तो हो ही जाएगी ना, सब आना। बम्पर सब आना नहीं, नाम शबाना इनकी फिल्म का नाम है। फिल्म के नाम में ही नाम है। हाँ। नाम शबाना। हाँ। ये अच्छा है, ये नया स्टाइल निकाला है। जैसे कि नाम बम्पर। ओ वाओ, कूल। नाम शबाना। फिर आपने नाम शबाना तो बता दिया, लेकिन आपने काम शबाना नहीं बताया। बताओ। नहीं, काम बताना क्या है, बहुत जरूरी होता है। जैसे ये जो व्यक्ति है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये परेशान करना इनका काम है। जैसे सिद्धू जी है, इलेक्शन जीतना इनका काम है। और जैसे सर आप हैं, आप फिल्में इतनी सारी करते हैं आप, अब आप एक्टिंग भी शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो एक्टिंग ही तो करते हैं फिल्मों में, ये दिखती नहीं है सर, इतनी नेचुरल करते हैं ये, पता ही नहीं चलता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी करते हैं आप। सही में इतनी अच्छी करते हैं। वो आपका एक डायलॉग था ना आपकी फिल्म में, वो ऐसे आप बोलते हैं कि करारा जवाब मिलेगा, इतना नेचुरल किया ना आपने। अगर मैं होती ना फिल्म में, मैं ऐसे करती, ए तुझे करारा जवाब मिलेगा। कभी आप ये टाइप की एक्टिंग ट्राई कीजिए, फिर देखिए नाम बदल दीजिएगा मेरा, अगर कोई आपको अवार्ड दे फिर। अभी अभी आप दिखाएंगे अभी अभी एक बार आप करके दिखाओ। तुझे तुझे करारा 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 जवाब मिलेगा। जवाब कुछ नहीं होने वाला इसके बाद, कोई नहीं सकता, नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन सो स्वीट सच में, बट हाँ, लेकिन अवार्ड मिल जाएगा जरूर। ये ऐसी एक्टिंग के बाद ऐसी के लिए मिलता है। वाह तुम, ये बड़ा खतरनाक डायलॉग बोला भाई। मैं आपको सच बता रही हूँ ना, आप इतने अच्छे कमाल के एक्टर हैं क्योंकि आपने थिएटर किया है। सोचिए अगर आपने मल्टीप्लेक्स किया होता तो आप और कितने बड़े एक्टर होते। आपका डायलॉग था ना मनोज भाई, मुंबई का किंग कौन जी, वैसे इसका भी डायलॉग है, बर्गर का किंग कौन। देखिए आप कभी ऐसे इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं ना, तो वीडियोस देखने पे ऐसे शुरुआत में एक ऐड आता है, वो कभी कभी कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो 5 सेकंड के बाद आप स्किप भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती पूरे के पूरे देखने पड़ते हैं, वो वाला ऐड ये है। आप शबाना है ना जैसे, वैसे ये बनाना है। ये वाला मानना पड़ेगा, ये जो इतना वक्त लगा के आपने शबाना बनाना, वाह, ये जो तैयार किया आपने। मैं कह रहा था इसको तोड़ के दोबारा बनाना है, दो लड़कियां और निकलेंगी बीच में से, तो उस हिसाब से मुझे पता नहीं था कि मुझे एक ही एपिसोड में दूसरी बार ये करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, उनको आपका फोन नंबर चाहिए। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, पर उन्होंने सामने से आके मुझसे कहा था कि कम से कम फोन नंबर तो दिला दे गुरु।
ऐसे आप मुझे बताइए ना सर कि मैं इतने ऐसे एक्टिंग वैक्टिंग कर लेती हूँ, तो ऐसे कोई मतलब फिल्म में कुछ ऐसा मुझे लॉन्च कीजिए ना। फिल्म में लॉन्च होना तुझे, तू अपने आप को तोप में डाल, पीछे कोई आग लगाए तो किसी मैदान में लॉन्च हो। मैं सोच रही थी कि एक बार लॉन्च हो गई ना बॉलीवुड में तो धड़ाधड़ एक के बाद एक फिल्में करते जाएंगे। एक्चुअली वी कैन स्टार्ट विद सम शॉर्ट फिल्म्स, आप करते रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो एक शॉर्ट फिल्म के साथ शुरू भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने बैग में ना पूरी तैयारी करके भी लाई हूँ, ये देखिए, ये आपके लिए शॉर्ट है और ये मेरे शॉर्ट है, हम दोनों पहन के ये करेंगे, बन जाएगी शॉर्ट फिल्म। क्या करूं यहाँ पर तेरा ये वाला जो था ना, इतना बुरा था मैं बता पर। यार कोई बात नहीं, फिल्म हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक जरा थोड़ा लाइक गाने का रिहर्सल व्यसल टाइप तो कर ही सकते हैं ना? कुछ भी कर सकते हैं, तो चलिए एक बार गाने। ये मुमनिया थी कि दुकनिया थी पूरी? मैं फिल्म के लिए थोड़ी तैयार वैयार हो जाती हूँ, हाँ। फिर हम हमारी फिल्म शुरू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू, बाय। तापसी, मनोज सर, यहाँ पे कुछ दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं। जी कौन पहले आ रहे हैं सज्जन? जी बाजी सर, आपकी पिक्चर है नाम शबाना, शबनम, सॉरी नाम शबाना। तो आपका जो करेक्टर है वहाँ पर एक चीफ का है, जी जी, सिक्योरिटी एजेंसी के, तो घर में तो मालूम ही आपको भी मुझको भी कैसा होता है, मैं भी शादीशुदा हूँ। जी जी, तो वहाँ क्या फील आ रहा है आपको जैसे आप ऑर्डर देते हो मैम को? यहाँ पे शबाना को ऑर्डर दे रहे हैं, वहाँ से शबाना से ऑर्डर मिल रहा है। सर ऐसा लगता है ड्यूटी ख़त्म नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ऑर्डर तो क्या यहाँ पे भी जो है सेट पे पहुँचने के साथ ही कि शबाना वेलकम टू द एजेंसी, शबाना शबाना जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या वो मिलेगी, जो मदद चाहिए वो भी मिलेगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। घर पे पहुँचा, कट, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए मैं ला के दूंगा। लेकिन जो भी कर रहा हूँ वो मदद नहीं है, वो मेरा फर्ज है। ऐसा लग रहा है ये आवाज जो है ना आप नहीं निकाल रहे, मेरी आत्मा से निकल रही है। आप चलते चलते डायलॉग बोलते ना उसमें फिल्म में ऐसे कर रहा। हाँ शबाना, तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और तुम्हें केसर भैया की काम करना है, जो हम कहें तुम्हें करना है। असल में जो शबाना का फोन आया ना, हेलो शबाना, धीरे बात करो, फोन से बाहर आवाज आ रही है। तो आ रहा है ना, होता है। प्रिया पाजी शो में आने के लिए, थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब, ये है। हाय सर। हेलो। हेलो सर, जल्दी में हो? हेलो सिद्धू जी। हाय सर। हाय मनोज सर। हेलो। हाय तापसी मैम। हाय। नहीं यार, आपका क्या पानी जाने वाला कपड़े धोने घर जाके फटाफट कर रहा है। दोबारा बोल, दोबारा यही बोल 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 गुरु। हाय सिद्धू सर। कहा गया बंदा भी। हाय सिद्धू सर, मैंने तापसी मैम के बारे में पढ़ा है, आप कथक बहुत अच्छा कर लेती है, मुझे कथक बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरी सरप्राइज के पता कैसे चला, हाँ मैंने 8 साल सीखा है। अच्छा, तो 9वें साल कहाँ पे किया फिर? मैं 9वें साल स्कूल से निकल गई। मुझे तापसी मैम से कथक सीखना है। उफ़, एक ही दिन में उन्होंने 8 साल लगाए। सर प्लीज मना ना करियो। आ जाओ, आओ आओ, ऑप्शन ही नहीं है, आ जाओ। क्या नाम है सर आपका? कथा। अजीत पांडे। अजीत पांडे कैमरे उधर है, क्या क्या दिखा रहे हो? इनका नाम
तो इनका नाम अजीत पांडे है, ये तापसी से कथक सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? सर मुझे बहुत पसंद है। नहीं किधर करना है जाके? मुझे पसंद है सर। कथक पसंद है कि तापसी पसंद है? दोनों दोनों। तभी तापसी को नजदीक से देख के ऐसे नाभि में झुनझुनी सी हो रही बहुत अच्छा फील हो रहा है। नाभि में झुनझुनी और क्या? पांडे जी इधर तो आओ, आज साथ में सीखते हैं, मेरे को भी बड़ा पसंद है। बजाओ बजाओ। ये जो पेंगुइन्स नहीं करते जो ओए पांडे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सीखा आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सीखा। आज मेरी तरफ से फोन दे दे इनको। अभी दे देते हैं। हाँ। ये जो नया आया है, हाँ, तो ये खूबसूरत सा मोबाइल जो है तापसी के हाथों रिबन ले लीजिए। ये हम देखे तो सही कौन सा आया है। लो जी पांडे जी, हाँ, एक तो तापसी से मिल लिया, ऊपर से कथक भी आपने बड़ा अच्छा खराब किया। उन्होंने सिखाया मेरे को कि मैंने सिखाया, मेरे को पता नहीं। तो तापसी के हाथों ये मोबाइल ले लीजिए और इसकी मैं आपको टाई बना देता हूँ। आइए। नहीं आपकी गर्दन कोई लेके नहीं जाएगा ना, निशानी लगी होगी। मुबारक हो, नाचते रहिए। शुक्रिया पांडे जी। ओ मनोज भाई, ये हमारे हॉस्पिटल की नर्स हैं। ओके। इंजेक्शन लगाती हैं। मैं कहता हूँ लेकिन अभी मैं नर्स का काम छोड़ दिया, अभी मुझे हीरोइन बनना चाहिए। ओह। ये इधर वैसे आई इंजेक्शन लगाने थी, आप लोगों को देख लेते, इधर ही आइडिया है इसको हीरोइन बनने का। रोशन तुम्हें हिंदी तो आती नहीं, हीरोइन कैसे बनोगी? हिंदी नहीं आती तो क्या हुआ, सिफारिश करवाने आती है ना। सिद्धू जी मेरी सिफारिश करना है, नहीं तो मैं कंप्लेन करेगा बाबी जी को कि आप इधर आते मुझे देखते रहते हैं। तो क्या करूं, आंखें बंद कर लूं? क्या करूं? तो पर हीरो कौन है आपका? हीरो तो ये तुम्हारा हीरो है? नाम शबाना, नाम ठाकुर, काम फिल्में, काम मांगना। अच्छा। मनोज जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आप दोनों अब तो धुरंधर आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि आपने अपनी फिल्म में अक्षय कुमार को भी छोटा सा रोल दिया। अबे वो कैमियो होता है और वो प्रोड्यूसर है फिल्म के, तो सीखो कुछ। वो प्रोड्यूसरों के छोटा सा रोल कर रहे, तू प्रोड्यूसरों के पूरी फिल्म कर रहा है। हाय राज, नाम तो सुना होगा। हाय गालियां तो सुना होगा। कितनी मर्जी दे बस हाथ मत छोड़ना। हाथ छोड़ेगा नहीं, उठेगा। मुझे रोमांटिक हीरो चाहिए। ओए रोमांस ही कर रहा था मैं, मुझसे ज्यादा रोमांस कौन करेगा। कह दो कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं कुछ नहीं होता हूं। नो no. मुझे होता है उल्टी। कह दो कि जब मैं तुम्हें छूता हूं तो मैं कुछ नहीं होता हूं। नो मींस नो। हम डायलॉग बोल रहे हैं अच्छे वाले। तुमको डायलॉग बोलने नहीं आते है। तुमको आती है जी? तो बोल के दिखाओ। कुत्ते कमीने, में तुम्हारे खून पीऊंगा। पीजे, सारा पी ले। सारा पी ले, खत्म कर दे मेरे को। करारा जवाब मिलेगा। इधर दे दे। करारा जवाब। इधर इधर। दो हैं तो एक मेरे लिए रख लो, करारा जवाब। मेरे बाद में मैं खा लूंगा, फिर उसको दे दो करारा जवाब। Both of you, stop. मनोज जी, yeah? मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूं। Okay. अरे देखो लॉटरी, वो बहुत शरीफ घर से हैं, वो ऐसे डांस नहीं करेंगे। नहीं, और क्या था कि यार ऑपरेशन करा के थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया।
जोरदार तालियां मनोज सर और तापसी के लिए. थैंक यू. ओके मनोज जी, आई एम गोइंग, कीप इन टच, वी विल वर्क टुगेदर सून. ओके. ओ माय गॉड, वी विल वर्क टुगेदर सून, कीप इन टच. तो जिनके साथ काम कर रही उनके साथ तो कीप इन टच हो जाओ पहले. बाय कपिल. एक्सक्यूज मी मैडम, निकलो इधर, तुम्हारी एग्जिट इधर है. जोरदार तालियां एक बार मनोज भाई और तापसी के लिए. तो फिर नाम, थैंक यू सो मच. मैं सबसे किया, आप दोनों से मिलके बहुत मजा आया सर. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो.